हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे, टाटा पावर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, टेक्निकली लेवल्स को भी देखेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे SJVN शेयर के ऊपर भी। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आज के इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं या फिर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं टाटा पावर शेयर के ऊपर। स्टॉक जो है इनिशियली गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ही पूरा गैप अप ओपन हुआ था, बट ऊपर के लेवल से एक अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और फाइनली स्टॉक नीचे के लेवल से रिकवर भी हुआ और 0.5% के गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। लास्ट वन मंथ की अगर हम लोग स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 10% की तेजी के साथ लास्ट वन मंथ में ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है आपको क्वार्टर फोर का रिजल्ट और जो भी आपको डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा, ये 8 मई को होने वाला है। 8 मई को जो है आपको क्वार्टर फोर यानी कि जनवरी टू मार्च के क्वार्टर का रिजल्ट के ऊपर भी जो है बोर्ड का अप्रूवल होगा और साथ ही साथ जितना डिविडेंड पे करेगा कंपनी उस डिविडेंड के ऊपर भी जो है आपको अप्रूवल होगा। तो इसी वजह से 8 मई जो है वो टाटा पावर के लिए काफी इंपॉर्टेंट डे हो जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाटा पावर के फंडामेंटल चेंजेस के ऊपर। सबसे पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखेंगे तो कंपनी का जो है आपको प्रमोटर का होल्डिंग कांस्टेंट है 46.86%। FII ने यहां पे 0.44% से अपने स्टेक को डिक्रीज किया है। और वहीं अगर बात करेंगे DIA का तो DIA जो है तकरीबन 0.64% से जो है अपने स्टेक को डिक्रीज किया है और रेस्ट जो है यहाँ पे आपको पब्लिक का शेयर होल्डिंग इंक्रीज हो रहा है क्योंकि FII और DIA ने बेचा है, प्रमोटर का होल्डिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो है आपको खरीदने वाले रिटेलर्स ही है, यहाँ पे कोई भी HNI का नाम नहीं है। लगातार अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी जो है फाइनेंशियल बेसिस पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो क्वार्टर फोर का भी आपको रिजल्ट अच्छा ही आएगा। लगातार जो है कंपनी का सेल्स इंप्रूव हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है और नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर, इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। जितने भी लोगों के पास स्टॉक है वो लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे जो आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं टाटा पावर में एक हम लोगों को मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला। 150 के लेवल पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, तकरीबन जो है आपको 17 ईयर का ये ब्रेकआउट था। 2007 से ही स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, क्रॉस नहीं कर पा रहा था। 150 के लेवल के ऊपर स्टॉक ने क्लोज दिया, उसके बाद देखेंगे तो एक अच्छा तेजी हुआ, स्टॉक ने यहाँ पे 100% का रिटर्न दिया। उसके बाद स्टॉक में वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, काफी दिन तक स्टॉक साइडवेज ट्रेड किया, उसके बाद वापस से यहाँ पे जब मोमेंटम हुआ तो स्टॉक ने वापस से यहाँ पे आपको 100% से ज्यादा का मोमेंटम दे दिया है। तकरीबन 127% का मोमेंटम हो चुका है इस स्टॉक में। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो स्टॉक में इतना बड़ा मोमेंटम हुआ उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन किया, वापस से इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है। अब जितने लोगों के पास ऑलरेडी नीचे के लेवल से है, इतने अगर अभी तक आप होल्ड कर रहे हैं तो आप कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं, चाहे तो आप पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने प्रॉफिट के बाद, इतने रैली के बाद अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं तो फ्रेश एंट्री बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यहां पे अगर देखेंगे विद इन वन ईयर स्टॉक ने 125% का रिटर्न दे दिया है। आपके पास रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है, रिवॉर्ड आपका लिमिटेड हो जाता है। तो स्टॉक में या तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होगा या फिर स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेशन करेगा, जैसा कि यहाँ पे देखने को मिला, एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन किया, ब्रेकआउट दिया, एक शानदार तेजी। वापस से यहाँ पे देखेंगे तो एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर जो है स्टॉक यहाँ पे आपको रिट्रेस बैक कर सकता है। दोनों ही केस में आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, नो डाउट टाटा ग्रुप का स्टॉक है,
अच्छा स्टॉक है, सेल्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, अच्छा फाइनेंशियल है, काफी एग्रेसिव बिजनेस प्लानिंग है, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस जाके रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, थमेगा, और वो समय आपको ज्यादा नजदीकी है क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट के बाद जो है एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इसी वजह से यहाँ पे जो है अभी आपको फ्रेश बाइंग नहीं करना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में है, पार्शियल आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में रिट्रेसमेंट होगा तो फिर आप पैनिक करेंगे। बेटर है पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को ले आइए अपने पास, रेस्ट प्रॉफिट को मार्केट में लगे रहने दीजिए। स्टॉक और ऊपर जाएगा, 1000 जाएगा, 1500 जाएगा, आपका पैसा और बढ़ेगा, लेकिन अभी के लिए जो है थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करना जरूरी है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं SJVN शेयर के ऊपर। SJVN के शेयर में क्या करना चाहिए, अगर वीकली बेसिस पे देखेंगे तो स्टॉक में जो है एक हम लोगों को डोजी कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्ट कर रहे थे जो यहाँ पे ब्रेकआउट इस वीक में देखने को मिल सकता है, बट स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ नहीं, स्टॉक जो है यहाँ पे आपको डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया है, और स्टॉक एज एक्सपेक्टेड इस रेंज में थोड़ा और समय ले सकता है। अभी यहाँ पे जो है हम लोगों को और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। रीजन है जो स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे रैली किया है, वन साइडेड यहाँ पे रैली हुआ है, रैली के बाद डेफिनेटली जो है हम लोगों को या तो एक रेंज में स्टॉक दिखता है या फिर जो है स्टॉक में करेक्शन होता है। यहाँ पे करेक्शन भी हो चुका है और अब स्टॉक जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, एक बेस बना रहा है। नीचे के लेवल पे आप जरूर ऐड कर सकते हैं, ऊपर के लेवल पे ऐड करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो है वो लिमिटेड रिवॉर्ड है। यहाँ पे आपके पास रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है, तो बेटर है थोड़ा सा वेट करेंगे। लेकिन अगर आपको 100 के लेवल के राउंड में मिलता है तो डेफिनेटली जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर डिप होता है तो डिप में आप यहाँ पे ऐड जरूर कर सकते हैं। ऑलरेडी अगर आपके पास है, आप एक अच्छे प्रॉफिट में है, तो कंटिन्यूसली जो है आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा और हम लोगों को वेट करना होगा, क्योंकि स्टॉक इस रेंज में कितना टाइम स्पेंड करेगा ये हम लोगों को नहीं पता है। एक बार मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, उसके बाद ही अगर हम लोग एंट्री लेंगे तो फिर जो है इस स्टॉक में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है दोनों ही स्टॉक के रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।